पीजीटी शिक्षक नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकली है और इसमें होम साइंस विषय को शामिल नहीं किया गया है और होम साइंस के कुछ कैंडिडेट जो हैं मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, क्या मतलब आप लोग का शामिल नहीं किया गया है? हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि हमारा जो सब्जेक्ट है होम साइंस, हमने इसमें बीएड किया है, हमने इसमें एमएड किया है, लेकिन इन्होंने बीएड भी कराया, यूनिवर्सिटी ने एमएड भी कराया, सब कराया, लेकिन अभी जब टीचर नियुक्ति का टाइम आया तो हमारे सब्जेक्ट को साइड कर दिया गया है। प्लस टू में होम साइंस नहीं है, होम साइंस के स्टूडेंट कहाँ जाएंगे? हमारा इतना टाइम बर्बाद हुआ है, हमारी इतनी मेहनत बर्बाद हुई है, हम इसी दिन का तो इंतज़ार कर रहे थे। हमने बीएड इसलिए ही तो किया है, हमने एमएड इसीलिए ही तो किया है कि कल को टीचर नियुक्ति आएगी और हम लोग उसका फॉर्म भरेंगे और हमें मतलब नौकरी मिलेगी। जब हमें नौकरी नहीं मिलेगी, जब हमें कुछ नहीं मिलेगा, तब तो फिर बेकार है ना। तब ऐसा था तो फिर यूनिवर्सिटी को तो बीएड ही नहीं कराना चाहिए होम साइंस के स्टूडेंट्स को। हम लोग बहुत उम्मीद लेके आए हैं झारखंड सरकार से, हमें उम्मीद है इस चीज़ की कि हेमंत सोरेन जी हमारी बात सुनेंगे और हमारी बात को रखेंगे, हमारी बात को ध्यान देंगे। और हम लोग बस बहुत उम्मीद लेके आए हैं, हम लोग बेरोज़गार होके इधर उधर भटकना नहीं चाहते हैं। हम लोग बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत मुश्किलों से हमने अपनी फ़ीस दी है, हमने अपने बीएड का फ़ीस दिया है, बट आज हमें मतलब हम लोग क्या बताएं, ये बहुत ही इमोशनल है और ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है कि हमारा सब्जेक्ट को छांट दिया गया है प्लस टू में। मुलाकात हो पाई? अभी मुलाकात तो नहीं हो पाई है, हम लोग कोशिश में हैं हमें कि उनसे मुलाकात हो जाए। आप कहाँ से आए? हम रांची। आप भी होम साइंस से की? जी। तो इससे पहले जो वैकेंसी निकलती थी उसमें होम साइंस रहता था या नहीं रहता? पहली बार नहीं है ये तो नहीं। सालों साल के बाद, कितने साल के बाद वैकेंसी निकला, इससे पहले वाले में होम साइंस का था, मिडिल स्कूल वाले में। क्यों हटा दिया गया? वो तो मुझे खुद भी नहीं पता है कि क्यों हटाया है गवर्नमेंट ने। हम मतलब उन्हें एटलीस्ट ये चीज़ तो सोचना चाहिए कि जो स्टूडेंट हैं हमारे उनका क्या होगा, उनके उम्मीदों का क्या होगा। इतने सालों बाद शिक्षक नियुक्ति का फॉर्म आया है, इतने सालों बाद शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है, तो अब और इसमें हम इतने सालों से वेट कर रहे हैं, तो हमारे सब्जेक्ट को तो हटाना हमारे साथ एकदम अन्याय है और हम बस चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in Like, share and subscribe www.thefollowup.in